एक समय जब गीतकार जावेद अख्तर के घर के सामने एक बिल्डर ने ऊंची इमारत खड़ी कर दी थी, तब उन्होंने एक कविता लिखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि लोग मेरे हिस्से का सूरज खा गए। आज इसी तरह के हालात मराठ पश्चिम में रहने वाले परेरा परिवार के सामने आ गए हैं। पिछले 6-7 साल से इनके फ्लैट में आने वाली हवा और रोशनी बंद कर दी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके रोशनदान से सटाकर एक बड़ा होर्डिंग लगा दिया गया है, जिसकी वजह से इस परिवार की बीमार रहने वाली 88 वर्षीय लुजिना परेरा और उनके 61 वर्षीय बेटे बारनबस परेरा के सामने रोशनी और हवा की समस्या खड़ी हो गई है, और ये सब सोसाइटी की वजह से हुआ है। माय फ्लैट विच इज होल्डिंग ए ह्यूज होर्डिंग एंड कवर्ड माय मदर्स वेंटिलेशन and the light, I have requested every nook and corner. I have gone to everybody, BMC, Bandra, Dadar, BMC, the chief engineer, but my work is not getting done. इतना ही नहीं, जिस होर्डिंग ने इनके फ्लैट की रोशनी रोकी है उसे BMC ने अवैध बताया है, लेकिन इसके बावजूद इतनी बड़ी होर्डिंग को उतारा नहीं गया है। इससे साफ है कि इस मामले में सोसाइटी भी शक के घेरे में है। इन सब के अलावा सोसाइटी बारनबस का दूसरा फ्लैट उनके नाम ट्रांसफर नहीं कर रही है, जबकि इस संबंध में परेरा परिवार ने कई बार सोसाइटी को पत्र लिखा। प्रेस 9 संवाददाता ने सोसाइटी के ऑफिस बेयरर से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने इस संबंध में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इधर BMC वार्ड ऑफिस ने होर्डिंग को गैर कानूनी बताते हुए उसे निकालने की बात कही है, लेकिन अवैध होर्डिंग को हटाने में आखिर BMC इतना समय क्यों ले रही है, ये बात समझ से परे है। राजबिंद्रा, प्रेस 9, मुंबई।